वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस देखो, आज मैं नहाना धो के तैयार हो चुकी हूँ और मैं जो फील कर रही थी नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। मैंने परसों कल भी लगाई थी, परसों भी लगाई। देखो ये बैठे हुए कान्हा जी। गाइस मैं भर भर वो गाइस मैं व्रत तो नहीं रखी हुई, फिर भी वैसे मैं जोत लगाती हूँ। और आज करना को मैं ऐसे मारूंगी। आज दादी बाहर गई है, शी ऐसे बोली आज तुम रख ले। और मैंने इसको पानी भी पिला दिया था कान्हा जी को। और अब ये बैठे हुए हैं अंदर, मम्मी अंदर रोटी बना रही है, फिर हम इसको खिलाएंगे और आपको बताएंगे, दिखाएंगे साथ में कैसे मौसम लग रहा है कान्हा जी। गाइस देखो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि सुबह सुबह बूंद आ चुकी थी। देखो यहाँ पे गीला गीला दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बूंद आ चुकी थी। एक देखो कैसे पड़े हुए हैं, पांचों के पांचों, पहले एक दो तीन चार पांच, ये पहले ना यहाँ पे था और वो वाला ये। हाँ गाइस 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 छह है ये। देखो गाइस एक उसके पास भी तो लेटा है, धोले के पास देखो वो बैठा हुआ, वो बैठा हुआ। मैं आपको पास से दिखा के आती हूँ, पास थोड़ा सा पास। गाइस तो सूरज था ना, सूरज की किरणें अब आप के यहाँ पे भी नहीं। गाइस पास तो पतंग बनाने का बहुत ठीक है, उड़ाने का बहुत तेज उड़ेगी, बनाऊंगी अब तुम्हारे। ये लिखाया इसने छह है गाइस, ये एक दो तीन चार पाँच और ये छः। गाइस ये ना, ये तो यहाँ पे बैठा, वो यहाँ पे बैठा हुआ था पहले ना, वो था ना ये ढोले के पास उस साइड था, वो ना था नहीं पहले, फिर अब आया ये। गाइस देखो ये कैसे इसके फिर भी नहीं उठा, ये सोया हुआ है। गाइस मम्मी मक्खन निकाल रही है, देखो अभी तो इसमें डालेंगी। और मम्मी थोड़ा सा दे दूँ, मैं कान्हा को खिला दूँ। खाने के साथ में देना है? ठीक है, खाने के साथ में खिलाएंगे कान्हा को। दे देना मम्मी, थोड़ा सा खिला ही दूंगी मैं, जल्दी से दे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। दे दे। गाइस मैंने ले लिया है मक्खन, अब कान्हा को खिलाते हैं। गाइस देखो कान्हा को मक्खन, कान्हा जी मक्खन खा लो, मक्खन खा रहे गाइस, कान्हा मक्खन खा रहे गाइस, आपको नहीं पता तो। देखो देखो कान्हा जी के मुंह पे भी लग चुका है मक्खन, ये लो कान्हा जी खा लो। अरे मुंह पे लग गया रे कान्हा जी का, तो ये लो खा लो कान्हा, खा लो खा लो। अरे जैसे मक्खन ने मुंह गंदा कर लिया कान्हा जी को, तो कोई बात नहीं खिला देते फिर कान्हा जी को मक्खन। अरे साफ तो कर दे, अरे सारा ही मुंह तो सारा है कान्हा जी, तो पूरा ही मुंह तो सारे है गंदा कर रहे कान्हा जी, तो कोई बात नहीं साफ कर देंगे। खा लो कान्हा जी, बस खा लिया कान्हा जी ने। गाइस जब जब मम्मी अब खाना बनाएंगी और तब मैं खाना खी खाना बनाने के बाद मिल किया। रोटी लेके गाइस मैं कान्हा की रोटी लेके आ चुकी हूँ। देखो मैंने रोटी पे थोड़ा सा मक्खन गुड़ और दूध लिया कान्हा जी, अब रोटी खा लो। पहले मैं इसके पांच टूथ ले लेती हूँ, एक दो तीन, अरे तो बहुत बड़ा है इसका, आधा दो तीन चार पाँच, अभी गर्म है थोड़ी सी, कान्हा जी की ठंडी कर देती हूँ। थोड़ा सा मक्खन लगाती हूँ और अब कान्हा जी को खिलाती हूँ। कान्हा जी अब रोटी खा लो आप, गाइस कान्हा जी रोटी खा रहा है। देखो गाइस कान्हा रोटी खा रहा है, अब इसको थोड़ा सा गुड़ खिला देते हैं। खालो कान्हा, अब थोड़ा सा दूध खिला देते हैं खिलाते हैं इसका लक्ष्य को, थोड़ा सा माखन ऐसे करो।
तो बहुत मजा आ रहा है खिलाने में। खाना दिखा भी रहे हैं। थोड़ा सा पिया खाना जी ने दूध। अरे एक तो ये रहा गाइस, मैं क्या करूँ आपको, इतने मजे आते खिलाने में, खाता भी है गाइस का ना। पेट भर चुका है गाइस खाना जी का। मैंने खाना जी को रोटी खिला दी है। देखो बच्चे अब को जो तू कह ना इनको ना अब मैं मंडेरे पे रख दूंगी। कुत्ते को तो खाने नहीं है ये, बेशक से बिल्ली खा ले, बेशक से कांग खा ले, चिड़िया खा ले, कुछ भी खा ले। अब बस कुत्ते को नहीं खाने, मैं अपने हाथ पे रख लेती हूँ पाँच छः कुत्ते को। और गुड़ और दूध कोई भी खा के पी सकता है जिस, और वो ठीक हो जाएगा। गुड़ है जी। अब इसको मैं ही पीऊँगी शायद, तो मैं इसको रख के गाइस मैं इस लोग को ऐड कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और गाइस प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। गाइस आप कमेंट नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, प्लीज़ करो, बाय।